भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और भाजपा में सियासत गर्म हो गई है। एक ओर जहां कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, वहीं अभी इसके पलटवार में भाजपा के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भूपेश बघेल पर और कांग्रेस पर सवाल दागते हुए कहा कि सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढेबर और अब देवेंद्र यादव, आखिर और कितने आरोपियों का बचाव भूपेश बघेल करेंगे? इसके पीछे का कारण क्या है? पिछले 5 से 6 वर्षों की तरह हर अपराध करने वालों के संरक्षक के रूप में हर अपराधी के बचाव में सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसे कौन सा कांड भूपेश सरकार ने किए हैं? कांग्रेस के नेताओं का एक और अपराध और उस अपराध पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और एक बार फिर से पिछले 5-6 वर्षों की तरह हर अपराध का संरक्षण करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आकर अपराधी को बचाव में सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एकमात्र नेता पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पिछले 5 वर्ष में ऐसे कौन से कांड भूपेश बघेल की सरकार ने किए हैं कि हर एक अपराधी का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आते हैं, चाहे वो सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी का विषय हो, चाहे वो रानू साहू की गिरफ्तारी का विषय हो, चाहे फिर समीर विश्नोई का वो घोटाला हो, चाहे वो अनवर ढेबर, चाहे सूर्यकांत तिवारी या चाहे फिर देवेंद्र यादव की बात हो, हर एक अपराधियों के पीछे सबसे पहले कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो भूपेश बघेल दिखाई देते हैं। और तो और केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर इन अपराधियों के बचाव में राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कितने अपराध और कितने अपराधियों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संरक्षण देंगे, इसका